इन शक्तिशाली मंत्रों का आपके और हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, मानव जीवन में महाशक्तिशाली मंत्रों का असर क्या होता है। देखिए, जो भी बड़े बड़े मंत्र है, जैसे कि महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री हरि का ओम नमो भक्ति वासुदेवाय, और भी काफ़ी सारे मंत्र हैं, श्री राम से लेकर जुड़े हुए, लक्ष्मी से लेकर जुड़े हुए, गणपति से लेकर जुड़े हुए, और भी काफ़ी सारे मंत्र, क्या इन शक्तिशाली मंत्रों का आपके जीवन पर कोई असर पड़ता है क्या? क्या सकारात्मक असर भी होता है और नकारात्मक असर भी होता है क्या इससे? बिल्कुल, इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुने कि इन मंत्रों का असर आपके जीवन में क्या होता है, और क्या आर्थिक ये मानव जीवन आपको तभी ललायित करता है कि आप में कुछ चीज़ की कमी हो, या तब आप उस चीज़ के लिए कार्यरत होते हैं। देखिए, जब भी आप मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं, तो आपके मन में कुछ इच्छा रहती है कि आपको कुछ अर्जित हो जाए उसके सहयोग से, तो आप मंत्र जाप करने लग जाते हैं, या फिर किसी अन्य कार्य अन्य चीज़ पे भी लिया जाए तो उस अन्य चीज़ पर आप कार्य करने लग जाते हैं। ये मानव की ये प्रवृत्ति होती है। देखिए, जब भी आप मंत्रों जाप करते हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं उसमें मंत्रों, जैसा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और उसमें आपकी भावना अटकी हुई रहती, कुछ ना कुछ कुछ इच्छा होती है, जैसे कि भगवत प्राप्ति इच्छा होती है किसी के अंदर, आर्थिक रूप से सहयोग मांगने की, कोई धन प्राप्ति की इच्छा होती है, किसी के व्यवसाय में उन्नति की इच्छा होती है, कुछ मनोकामनाएं होती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इस कारण से वे कुछ ही मंत्रों का सहयोग लेते हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही गिने चुने लोग मान के चलिए इस संसार में से, जो निष्काम भाव से प्रभु का नाम लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। कि देखिए, जब भी भक्तगण इन मंत्रों का उच्चारण करता है तो मान के चलिए आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो सही, बिल्कुल 100% आपकी जीवन शैली में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही, यानी आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर जो असंतोष फैला हुआ था, यानी बार बार में आपको सजगता आ जाती थी, नहीं यार अब मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मुझको अब क्या करना है इस जीवन में, अब मुझको कुछ बनना है, कुछ कार्य आगे करना है, कुछ प्राप्त करना है, ऐसी लालसा रहती है। लेकिन जब आप इन मंत्रों का सहयोग लेते हैं, इनको जपते हैं, तो आप में स्वयं में पता लगने लगेगा कि आपके अंदर एक ठहराव आया है, अर्थात आपके अंदर एक ठहराव आया है, एक स्थायीपन आया है। उसके सहयोग से आप धीरे धीरे जो भी पाना चाहते हैं तो उस कार्य को नियमित रूप से करना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करता है। मेरी बातों को आप थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, जिससे कि आप भी इसमें से कुछ ना कुछ तर्कपूर्ण चीज़ें निकालें, जिससे कि आपके जीवन में भी बहुत बड़ी सफलता का, ये एक तरह से सफलता का राज खुले आपके जीवन में। तो कैसे कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो क्या आप, जैसे कि आपकी जीवन की रेखा है उधड़ी हुई है, एक तरह से जगह जगह से फटी हुई है, कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा चलते हैं और ये रास्ता खराब है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ इच्छा है, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा, लालसा है, इस कारण से वह जीवन रेखा उधड़ी हुई है। मगर जब भी आप प्रभु का इन मंत्रों का सहयोग लेते हैं, उनका जाप करते हैं, तो क्या करता है, वे एक सीधी सरल रेखा बना देते हैं कि इसी रास्ते से गुजरना है, और बिना किसी हिचकचाहट के, बिना किसी ऐसे उफान के, यानी चंचलता लिए हो, बिना किसी, एकदम सहज भाव, विवेकशील रूप से होके हमको ये जीवन यापन करना है, और जो भी आपके जीवन में आता है उसका संघर्षपूर्ण आपको सामना करना है। ये इच्छा, ये आत्मबल आपको इन मंत्रों से मिल सकता है, बहुत ही सरल रूप से मिलता है, और ये आत्मशक्ति जागृत करते हैं आपकी धीरे धीरे, आपको अंदर ही अंदर से आत्मबल प्रदान करते हैं। और अगर देखिए, अगर आप इन मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं तो इनकी एक नियमित मात्रा रहती है, कि जैसे कि 1.25 लाख कहते हैं कोई, 1.25 लाख अधिकांश से ये होता है कि 1.25 लाख में ही अधिकांश जो मंत्र होते हैं वे सिद्ध होते हैं। सिद्ध होने के पश्चात ऐसा माना जाता है कि फिर जब भी आप उन मंत्रों को बोलते हैं
तब क्या होता है कि वे मंत्र यानी लाखों बार गिना जाता, हजारों बार गिना जाता, सिद्ध होने के पश्चात की बात ही। अब ये सिद्ध कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये आपको स्वयं को पता लगाना पड़ेगा कि आप में शक्ति का कुछ आभास होता है या नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियों का जागरण हुआ है, आपको अनुभूति होगी, एकदम आनंद का एहसास होने लग जाता है और अंदर ही अंदर को आपको ऐसा लगेगा कि आपको अंदर से किसी ने बहुत ही अधिक खुशी दी हुई है या फिर सांसारिक मोह माया से आप पर हो चुके, आपको अंदर ही अंदर इतना आनंद मिलने लग जाता है। अब देखिए कि इनका जीवन पे असर तो आपके पड़ता ही है। अब इनसे आपको क्या सांसारिक भोग विलास पूरे हो सकते हैं क्या? देखिए जितना कि मानना है कि अधिकांश कहते हैं हाँ और अधिकांश लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये आप अपने स्वयं के कार्यों के अनुसार यानी आप अपने बलबूते पे ऐसी चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं जो मनुष्य के भोग विलास से जुड़ी हुई है। इन मंत्रों के सहयोग से पाना थोड़ा दुर्लभ है। देखिए ये बात कहना उचित माना गया है, लेकिन एक चीज होती है अपने मायने में, ये लोगों का तर्क होता है, परिणाम सहित नहीं होता है। लोग तर्क ही देते हैं, इसका परिणाम कोई भी नहीं देता है कि इसके इसके सहयोग से ये चीज़ मैंने करके दिखाई, यानी सब लोग तर्क ही देते हैं। मगर अब आप ये चीज़ जानने की कोशिश करें कि जब भी आप इन मंत्रों का सहारा लेते हैं, इनको नाम जप करते हैं, इनकी सहायता से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अर्जित करना चाहते हैं, तो ये संभव होता है क्या? देखिए निसंदेह हो सकता है और होता भी होगा, मगर कैसे पता करें? आज तक आपने किसी को देखा है इस तरह करते हुए? मगर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मंत्र केवल निश्चित समय के लिए नहीं रहते, ये आपके साथ जन्म जन्म तक जुड़े रहेंगे, आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक जुड़े रहेंगे अगर आप निश्चित रूप से जन्म इनको भजते हैं, जपते हैं इन मंत्रों का, और संसारिक मोह माया से जुड़ी हुई हर चीज़ें आपको प्राप्त होगी एक समय आने के पश्चात। मगर ये आप में एक ठहराव लाते हैं, किसी चीज़ को पाने में आप उत्सुकता होती लालायित होते कि आपको ये, आपको 2 महीने 3 महीने में आपको वह चीज़ अर्जित हो जाए, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है उस चीज़ों को। मनुष्य प्रवृत्ति ऐसी है कि वे बहुत अधिक किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत जल्दी उत्सुकता रहती उसमें कि नहीं ये मुझको बहुत जल्दी मिल जाए। तो आप में भी ये धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और आपको वह चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आपके मन में बसी हुई है। देखिए इसके बारे में हम और आगे अगले वीडियो में बताएंगे, जब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और इसका पार्ट 2 हम जरूर बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं।